हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ऑरेंज जेली। बिल्कुल सिंपल सा वे, सीजनली ये बना के रख सकते हैं, साल भर खा सकते हैं। तो चलिए कैसे हम बनाते हैं ये देख लेते हैं। मैंने 6 ऑरेंज लिया, अब इसको प्रोसेस करना है। पहले हम ऑरेंज इस तरह काट लेंगे, बीज से टुकड़ा कर लेंगे। तीनों एक टाइप ऑरेंज ही है, वो बाजार में अब सस्ते में मिलता है और उसका जूस बहुत ही ज्यादा होता है, सो आप कीनू से भी ये बना सकते हैं। पहले हम इसे जूस निकाल लेंगे। पूरी तरह इसका पल्प और जूस निकल गया। हैंड जूसर से भी आप जूस निकाल सकते हैं। ये बोल में जूस निकाल लिया। इसमें जितना पल्प था, ये पल्प भी हमें लेना है, सो इस छलनी से हम इसका पल्प भी निकाल लेंगे। देखिए, पल्प भी हमने इससे निकाल लिया। पल्प भी इसके साथ मिलाने से जूस का कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। एक 7-inch नाइफ हमें लेना है और धीरे से ये व्हाइट पोर्शन हम निकाल के अलग कर देंगे। ये व्हाइट पोर्शन बिटर होता है, इसलिए इसको निकाल के फेंक देंगे। और ये जो सिंपल ऑरेंज पोर्शन है, इसको हम जितना बारीक हो सके काट लेंगे। देखिए, इतना सा बारीक इसको काट लेंगे। अब ये छिलका हमने इसे मिला देंगे। ओवन में एक पैन चढ़ा दिया और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस। इसमें मिलाएंगे शक्कर, 600 ग्राम जूस निकाला था, 400 ग्राम शक्कर डाला। फ्रीक्वेंटली इसको चलाते जाएंगे जब तक शक्कर मेल्ट ना हो जाए और जूस में गाढ़ापन ना आ जाए। अगर आपका ऑरेंज ज्यादा खट्टा हो तो थोड़ा ज्यादा शक्कर डाल सकते हैं। 20 मिनट हो चुका है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर इसमें आ रहा है। और भी थोड़ा गाढ़ा बनाना है। One eternity later. जेली पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है, अब इसको ठंडा होने देंगे। और थोड़ा गाढ़ा बनाना है। अब हम इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। Eventually. जेली पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है, अब इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद एक कंटेनर में भर के रख देंगे। 6 महीना ऐसे ही खा सकते हैं फ्रिज में रख के। सो व्यूअर्स, ब्यूटीफुली बन के तैयार हो गया है ये रेसिपी ऑरेंज जेली। थैंक यू।